द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन एक बेस्ट सेलर किताब है जिसे हेमिन सोनिम ने लिखा है। यह किताब मानसिक शांति, जीवन की सरलता और धीमेपन के महत्व पर आधारित है। लेखक ने जीवन की भाग दौड़ में खो जाने के बजाय धीमा चलकर आत्मनिरीक्षण और शांति को प्राप्त करने के बारे में बात की है। केक, धीमा चलने का महत्व। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों और जीवन के असली मायनों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी गति धीमी करनी चाहिए ताकि हम जीवन का आनंद ले सकें और अपने आसपास की सुंदरता को महसूस कर सकें। उदाहरण, जब हम भागते हुए काम पर जाते हैं तो शायद हम रास्ते में खिलते फूलों या मुस्कुराते बच्चों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम धीमे होते हैं तो हमें छोटी चीजों की सुंदरता का एहसास होता है। तो भीतर की शांति और ध्यान। हेमिन सुनिम बताते हैं कि मानसिक शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और खुद के साथ शांति पा सकते हैं। उदाहरण, अगर आप गुस्से या तनाव में हैं तो कुछ देर ध्यान करें, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर करेगा और आपको शांत महसूस कराएगा। 3. स्वयं को समझना और स्वीकार करना। किताब में बताया गया है कि हमें खुद को समझना और स्वीकार करना सीखना चाहिए। अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं के कारण अपने असली रूप को छिपा लेते हैं, जिससे तनाव और असंतोष पैदा होता है। उदाहरण, यदि आप अपनी क्षमता से कम महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त आपसे ज्यादा सफल हैं, तो यह खुद को समझने का समय है। आप जो हैं उसे स्वीकार करें और अपनी यात्रा को समझें। 4. संबंधों में धैर्य और सहनशीलता। हमारे संबंधों में भी धीमा चलना महत्वपूर्ण है। कई बार हम जल्दबाजी में दूसरों के प्रति गलत निर्णय लेते हैं या उनका अनादर करते हैं। धैर्य से काम लेना और सहनशीलता दिखाना हमें बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। उदाहरण, जब आपके किसी करीबी से बहस हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय लें और शांत होकर सोचें। इससे आप बेहतर तरीके से स्थिति को समझ पाएंगे और गलत फहमी से बच सकते हैं। 5. आशावादी दृष्टिकोण अपनाना। लेखक बताते हैं कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते समय हमें एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जीवन में बुरे समय का भी एक उद्देश्य होता है और जब हम धीमे होकर इसे समझते हैं तो हमें बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। उदाहरण, अगर आप अपने करियर में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो इसे अपनी क्षमता को बढ़ाने का अवसर माने। जल्दबाजी में निर्णय न लें बल्कि धैर्य से काम लें और बेहतर अवसर की प्रतीक्षा करें। 6. प्रकृति और साधारण जीवन का आनंद। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने जीवन को साधारण और सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अधिक चीजों की इच्छा और लालच से हम मानसिक शांति खो देते हैं। इसके बजाय प्रकृति से जुड़ें और छोटी छोटी चीजों का आनंद लें। उदाहरण, वीकेंड पर महंगे होटलों में समय बिताने के बजाय आप एक साधारण पार्क में बैठकर किताब पढ़ सकते हैं या पेड़ों के नीचे टहल सकते हैं। यह आपकी मानसिक शांति को बहाल करेगा और आपको तरोताजा महसूस कराएगा। निष्कर्ष, द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन हमें यह सिखाती है कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें अपनी गति धीमी करनी होगी। मानसिक शांति, ध्यान और आत्म स्वीकृति के माध्यम से हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन पा सकते हैं। जब हम तेज भागने के बजाय ठहराव से काम लेते हैं तो हमें जीवन की असली सुंदरता और अर्थ समझ में आते हैं।